सोच विचार मीडिया, सोच आपकी, नजरें हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोच विचार मीडिया में, मैं ममता सोनी और आज हम आए हैं छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर स्थित नवा रायपुर, जिसे अटल नगर के नाम से भी जानते हैं। यहाँ के सबसे खूबसूरत प्रोजेक्ट जिसे जंगल सफारी के नाम से जानते हैं, और यहाँ पर हम स्थित हैं। हमारी सोच विचार मीडिया की पूरी टीम पहुँची है छत्तीसगढ़ के अटल नगर के सबसे खूबसूरत प्रोजेक्ट पर, जिसे जंगल सफारी कहा जाता है। तो यहाँ पर आए कुछ दर्शकों से जानते हैं कि उनका जंगल सफारी का एक्सपीरियंस कैसा रहा। कहाँ से हैं सर आप? रायपुर से ही है। आपने जंगल सफारी घूमा? हाँ, मैंने फर्स्ट टाइम घूमा है, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। अच्छा, क्या क्या देखने को मिला आपको? शेर वगैरह सारा देखे, मोर देखे जी, हाँ, और हिरन वगैरह भी सारा थे, सब देखा। नज़दीक से आपको क्या देखने को? नज़दीक से हम जू वगैरह में गए थे, उसमें पूरा नज़दीक से सब शेर वगैरह को देखे। कुछ शेर जैसे सामने आए थे, उनको क्लिक करे, फोटो वगैरह देखे, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। अच्छा, तो जो नंदन वन है, ये भिलाई है, वहाँ से कुछ एक्स्ट्रा आपको क्या देखने? हाँ, थोड़ा सा क्लीन वगैरह बहुत अच्छा है, यहाँ पे पर्यावरण बहुत अच्छा है, और लोगों का यानी जो जिस तरह से हमको स्पेस दिया गया, एक अलग एक्सपीरियंस था कि क्या बोलते हैं, हम गाड़ी के अंदर बैठ के सारे जो जंगली जानवर है उनको लाइव देख पा रहे हैं जी। आप बताइए सर, कैसा लगा? नहीं, बहुत अच्छा है, यहाँ का वातावरण तो बहुत एकदम अच्छा है, और रख रखाव भी बहुत अच्छा गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे से बनाया गया है, जिसके खान पान वगैरह का व्यवस्था पूरे सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से रखा गया, हमको बहुत अच्छा लगा। और ये अच्छा एक पिकनिक स्पॉट है, मगर कोविड की वजह से काफ़ी लोग नहीं आ पा रहे हैं जी। मगर हम लोग भी नया चाहते हुए भी फिर मनोरंजन भी करना है ना, और हेल्थ का भी देखना है, उस हिसाब से फिर हम लोगों ने आया। शासन पहले इसका फीस शुल्क जो काफ़ी बढ़ा के रखी थी, अभी कितना रुपये फीस देते हैं? हमको 150 रुपये पर पर्सन लगा है ना, जू और इंक्लूडिंग ये अपना सफारी है ना, बाकी तो अच्छा है। इसी के साथ आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर और पूरा राज्य हमारा प्रदेश छत्तीसगढ़ 2000 से 2021 के बीच 1 नवंबर को 21 साल का नौजवान नवयुवक होने जा रहा है। प्रदेशवासियों से, जनता से जानते हैं कि वो कोरोना काल के चलते, इस महामारी के चलते कैसे वो अपने नया साल को सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि राज्योत्सव जैसा ग्रैंड सेलिब्रेशन तो नहीं हो सकता। तो इनसे पूछते हैं कि ये कैसे सेलिब्रेट करेंगे। इसी के साथ आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ स्वाभिमान संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर उदय भान सिंह चौहान ने अपील की है जनता से, प्रदेशवासियों से, कि वो 21 दिए जलाकर 21वां जन्मदिवस मनाएं। तो इनसे पूछते हैं ये कैसे सेलिब्रेट करेंगे। हम भी यही सोचे हैं कि 21 दिए जला के उनको समर्थन करेंगे जी। और 1 तारीख को हमारा छत्तीसगढ़ का स्टार्टिंग यानी स्टार्ट हमारा छत्तीसगढ़ में हुआ था, जब स्थापित हुआ था, उसके आधार पे हम 36 दिया जलाने की कोशिश करके से सेलिब्रेट करने की चाहेंगे। तो आप भी लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं? हाँ, हम भी यही चाहते हैं करके हम आगे आगे आके बात करना चाह रहे हैं, तो आप भी हमारे साथ आगे बढ़ के दिए जलाएं और हमारे छत्तीसगढ़ राज्य को आगे लाए बात पे, बस। इसी के साथ आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के प्रदेशवासियों से अपील है कि अपने अपने घरों में 31 अक्टूबर के रात को 21 दिए जलाकर इस नौजवान छत्तीसगढ़ को शुभकामनाएं देते हुए इसको आगे बढ़ाएं, और आप लोग जो भी दिया जलाने का ये वीडियो हम तक शेयर करें। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ सोच विचार मीडिया में। नमस्कार। सोच विचार मीडिया, सोच आपकी, नजरें हमारी।